सो लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करी थी और साथ में मैंने कुछ शॉर्टकट बताया था कि कैसे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लर्न कर सकते हैं, राइट? अब वहीं से हम आगे बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितनी सिग्निफिकेंट है, इससे क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं। फिर इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तक मैं ये भी बताऊंगी व्हाट आर द ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिलहाल हम ये समझेंगे कि इस टेबल से क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एक कोई भी एलिमेंट है, लेट सपोज एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है, तो एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में लाइक करता है आप कैसे बता सकते हैं, ठीक है? वो सब चीज़ें बताऊंगी। और ये एक आध नंबर का ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, या तो 5 मार्कर में 1 मार्क क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, या फिर कहीं MCQ में आपसे पूछ लेते हैं, या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जा सकता है कि कोई भी आपको एलिमेंट दिया हुआ है X और आपको बताना है इसका ग्रुप कौन सा है और इसका पीरियड कौन सा है, ठीक है? तो पहले समझो मैंने टेबल लिखी कैसे है। मैंने टेबल में सिर्फ ये वाले सारे 1, 2nd ग्रुप और फिर 13th to 18th ग्रुप लिखे हैं। ये बीच वाले नहीं लिखे बिकॉज मैंने बताया था लास्ट टाइम भी ये सिग्निफिकेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है? उसके अलावा मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं जो मैंने लास्ट टाइम लिखे थे। अब एक चीज़ समझो, ये हैं हमारे 1 to 18 ग्रुप्स और अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये हैं हमारे पीरियड्स 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th पीरियड, ठीक है? ये वाले एलिमेंट्स भी पूरे नहीं लिखे हैं मैंने, ज़रूरत नहीं है उन सब की। फिलहाल ये समझते हैं कि कोई भी आपको एलिमेंट दिया हो तो आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि उसका ग्रुप क्या है, उसका पीरियड क्या है। देखो, लास्ट टाइम 9th क्लास में आपने ये पढ़ी थी क्लासिफिकेशन, कि आप जब इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन करते थे KLMN शेल्स में तो कैसे करते थे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन थी। 2n² के फॉर्मूले से आप निकालते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल, ठीक है? अब वो चीज़ यहाँ पे कैसे काम आती है पहले वो देख लो। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये आपने लास्ट टाइम 9th क्लास में पढ़ा था। देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट पीरियड, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हमने 9th क्लास में पढ़ा था 2n² वाले फॉर्मूले से। तो देखो यहाँ पे भी 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? आप काउंट कर सकते हैं लिथियम से लेकर नियॉन तक 8 एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं, इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद इस फॉर्मूले से आता है 18, ये वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बीच में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब मैं बोल रही हूँ तो मैं एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, कि ये वाले पर्टिकुलर पीरियड में 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग पता चला, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन, ठीक है? मैं सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। ये जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था 9th क्लास में 2, 8, 8 ऐसे से करके, उसी के अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर पीरियड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बता सकते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होंगे, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होंगे एंड सो ऑन, ठीक है? एक तो ये तरीका हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगर हम एक एलिमेंट की बात करें, लेट सपोज हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन छोड़ो, कार्बन बाद में लेते हैं, पहले एक एलिमेंट की बात करते हैं, लेट सपोज सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आई एम सपोजिंग 1 to 20 एटॉमिक नंबर्स आपको लर्न है, आपने 9th क्लास में लर्न किए थे, ठीक है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 एटॉमिक नंबर है। आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सोडियम की, कैसे लिखेंगे यहाँ देख लो। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे, कितने, 8+2 10, और एक और इलेक्ट्रॉन बचा तो 1, ठीक है? मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर नहीं भी ध्यान तो अब देख लो कैसे लिखा, 11 एटॉमिक नंबर है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया इलेक्ट्रॉन्स को, फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं, नेक्स्ट शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? आप ऐसे बनाते थे, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग शेल्स या अलग अलग ऑर्बिट्स में, ये वाले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, नेक्स्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ऐसे करके आपने पढ़ा था, ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है? ऐसे ऐसे करके आपने पढ़ा था। और नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ये तो हुई 9th क्लास की बात। अब बात करते हैं कि ये 10th में कहाँ इंपॉर्टेंस रखता है। 10th में आपने यहाँ से इसका ग्रुप और इसका पीरियड बता देना है, कैसे आएगा ग्रुप, कैसे पता चलेगा। लेट सपोज यहाँ एटॉमिक नंबर, चलो पहले पीरियड की बात कर लेते हैं, पीरियड ज़्यादा आसान है समझना। पीरियड की बात करते हैं, कैसे बताएंगे कि कौन से पीरियड में सोडियम लाया करता है। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ शेल्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स कैसे काउंट करेंगे, यहाँ देखो 1, 2 और 3, 3 शेल्स हैं, ठीक है? जितने नंबर ऑफ़ शेल्स वही उसका पीरियड हो गया, तो इसका पीरियड क्या हुआ, 3।
आपको दिख रहा है ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, सोडियम थर्ड पीरियड में लाइक कर रहा है, वेरीफाई हो गया। अब देखो, अब बात आती है कि ग्रुप का कैसे पता चलेगा। ग्रुप देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है वो उसका ग्रुप हो गया, यानी फर्स्ट ग्रुप। यहाँ तक बात समझ आई। पीरियड के लिए मैंने क्या किया, ये नंबर ऑफ शेल्स काउंट करे, 1 2 3, 3 शेल्स तो पीरियड हो गया 3। ग्रुप निकालना है तो ग्रुप निकालने के लिए मैंने क्या किया, बस आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसका ग्रुप। ये बात वैलिड होएगी सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप वाली बात जो मैंने बताई कि आउटर मोस्ट जब 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप होगा 1, आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप होगा 2, ठीक है। आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप होगा 1, आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है ग्रुप होगा 2। अब बात आती है अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों आउटर मोस्ट शेल में तो क्या करेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों तो क्या करेंगे। तो देखो उसके लिए नेक्स्ट तरीका है, एक एलिमेंट लेके समझाऊंगी वो चीज़। लेट सपोज मैं इस बार लेती हूँ एलिमेंट एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम की जगह कार्बन ले लेते हैं, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ साइड पे रेड से लिख भी रखे हैं। एटॉमिक नंबर 6 सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2.4, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, नेक्स्ट में 4, 2.4 मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। आउटर पहले मैं देखूंगी इसका पीरियड क्या है। पीरियड काउंट करने का एक ही तरीका है, जितने शेल्स उतना पीरियड, ठीक है, 1 2। तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा 2 2, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अब बात करते हैं ग्रुप की कि इसमें ग्रुप क्या होगा। ग्रुप निकालने के लिए मैंने बताया कि आउटर मोस्ट अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप होगा 1 या फिर 2। 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, ये जैसे आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं क्या करूँगी, 10 प्लस वो वाला नंबर लिख दूंगी, ठीक है। 10 प्लस जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 10 प्लस यहाँ 4 है तो आउटर मोस्ट 4 लिख दिया मैंने, ये हो गया ग्रुप 14, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई, अच्छा आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट लाई कर रहा है पीरियड 2 में, ये रहा सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और ग्रुप कौन सा है, उसका ग्रुप है 14th, तो ये आपका एलिमेंट है ग्रुप 14 का और सेकेंड पीरियड का। ऐसे आप कोई भी एलिमेंट लेंगे आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। लेट सपोज मैंने एलिमेंट लिया इस बार सल्फर, सल्फर में एक नया एलिमेंट ले रही हूँ। सल्फर है, एटॉमिक नंबर उसका होता है सल्फर 16, ठीक है, सल्फर 16 है। मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखी, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखी वो होगा 2.8.6, ठीक है, ये हो गया 8 + 2 = 10 और 6 = 16। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी सल्फर की। अब क्या करूँगी, मेरे को इसका पीरियड और इसका ग्रुप बताना है। पीरियड बताने के लिए तो सिंपल चीज़ करी जाएगी, पीरियड कैसे बताऊँगी मैं, जितने इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 1 2 3, 3 ऑर्बिट्स या 3 शेल यूज़ हुए हैं तो पीरियड होगा 3। ग्रुप कैसे बताऊंगी, ग्रुप बताने के लिए मैं क्या करूंगी, ग्रुप बताने के लिए आउटर मोस्ट जो भी है नंबर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स 10 प्लस कर देना। तो 10 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस बार, आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होगा 16th ग्रुप होगा, पीरियड तो आ गया 16th ग्रुप। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है सल्फर, यहाँ थर्ड पीरियड और 16th ग्रुप में लाई कर रहा है ये वाला एलिमेंट। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट की आप ग्रुप बता सकते हैं, आप पीरियड बता सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आ भी जाए कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो आप क्या लिखेंगे, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही निकालते हैं ना जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो, और वैलेंसी क्या होगी, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 हैं तो वैलेंसी भी 1, 2 या 3 होती है। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं। आउटर मोस्ट अगर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 1, 2 या 3 होती है, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो वैलेंसी कैसे निकालती हूँ मैं, 8 - वो वाला नंबर। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, मैं रिपीट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आउटर मोस्ट, जैसे मैंने कार्बन का सल्फर का एग्जाम्पल ले लिया, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी लिखी थी 2.8.6 लिखी थी। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6,
तो मैं इसकी वैलेंसी क्या लिखूंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी क्या होएगी 8 माइनस ये वाला नंबर 6, तो ये हो गया 2, वैलेंसी क्या होएगी 2। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ की वैलेंसी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंसी 1, 2 या फिर 3, और अगर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं क्या करती हूँ 8 माइनस वाला नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप और पीरियड। आप कोई भी एलिमेंट हो, कोई मर्जी आपको एलिमेंट दिया हो, उसका आप ग्रुप बता सकते हैं, उसका पीरियड बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन आएगा ग्रुप और पीरियड का, ये 20 एलिमेंट्स तक ही आएगा, उसके बाद में थोड़ा सा अलग हो जाता है कॉन्सेप्ट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगेन आई एम स्पीकिंग कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब 10th क्लास तक होता है, 11th में आप नई चीज़ पढ़ते हैं इसमें SPDF ऑर्बिटल्स, तो वो चीज़ अलग है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो ज़्यादातर 90% केसेस में यहाँ 20 एलिमेंट तक ही आएगा, 20 से ऊपर एलिमेंट्स नहीं लेंगे वो। ठीक है, तो 20 एटॉमिक नंबर तक आप लर्न कर लीजिए, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया होगा अगर लर्न कर रखा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं बताऊँगी नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अंटिल देन टेक केयर एवरीवन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे।